नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश। आप देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ रेडमी नोट 7 फास्ट बूट मोड प्रॉब्लम। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें फास्ट बूट मोड लगा हुआ ऑलरेडी। जैसे दोस्तों इसका रिमूव करना है, वो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको 5 से 6 सेकंड पावर की एक साथ प्रेस करते रहना। उसके बाद दोस्तों ये फ़ोन रिबूट हो जाएगा और आपका फ़ोन फास्ट मोड से हट जाएगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये रेडमी खुल के आएगा और इसे दोस्तों थोड़ी सी देर में ये फ़ोन पूरा का पूरा खुल जाएगा और आपका ये फास्ट बूट मोड प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जैसे दोस्तों देख सकते हैं आप, फ़ोन कितना सुंदर लग रहा है देखने में, रेडमी नोट 7 दोस्तों। इसका बहुत ही गोरिल्ला ग्लास में बना हुआ है, बहुत ही सॉलिड है। आप इसलिए लोगे तो दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आएगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, कुछ देर में शर्ट पूरा का पूरा खुल गया। जैसे दोस्तों आपका जो फास्ट मोड प्रॉब्लम था वो हट गया। जैसे जैसे मैं फ़ोन को कम्प्लीटली चला सकता हूँ। जैसे दोस्तों आपको फास्ट मोड में फ़ोन लेके आना, वो भी आपको प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों फास्ट मोड लाने में क्या करना है वो अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। जैसे दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, फर्स्ट मोड में लाना है तो उसका दोस्तों आपको पावर की और वॉल्यूम डाउन की एक साथ प्रेस करनी पड़ेगी। इससे दोस्तों फर्स्ट मोड में चला जाएगा। जैसे दोस्तों पावर की और वॉल्यूम डाउन की एक साथ दबा देता हूँ मैं। जैसे दोस्तों वॉल्यूम की और पावर की मेरे साथ दबाई, इसके दोस्तों ये फर्स्ट मोड पर आ गया। दोस्तों इसको रिमूव करना, वो तो आपको मैंने आपको सॉल्यूशन बता ही दिया। जैसे दोस्तों मैं पावर की एक साथ प्रेस करूँगा 4 से 5 सेकंड और ये दोस्तों फर्स्ट मोड से हट जाएगा। दोस्तों फर्स्ट मोड से हट चुका।